वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों के सवालों के जवाब हम देते हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि आज का सेशन काफी खास है क्योंकि हमने केवल यूट्यूब के ही दर्शकों के सवाल आज शो में शामिल किए हैं। और मेरे साथ जुड़ गए हैं हेमंत जोशी की सीईओ वाइस इन्वेस्ट, साथ ही अमोल जोशी फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पे हम धड़ाधड़ जो है सवाल आपके सामने रखेंगे। और क्या दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं? चलिए, यूट्यूब के दर्शक हैं और सोनू कुमार झा का सवाल मैं लूंगी। और इनकी जो SIP है वो चल रही है। हेमंत जी, मेरे ख्याल से आपके पास ये सवाल है। UTI फ्लेक्सी कैप में और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में, साथ ही बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स इनके पास है, टाटा का स्मॉल कैप भी है इनके पास, और ये मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए सजेशन ये चाहते हैं आपसे। दिलचस्प सवाल। और साथ ही वो तमाम निवेशक जो कि मिड कैप स्मॉल कैप की चाल को देखते हुए अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मिस हो गई है हमारी ये हमारा ये मौका, तो वो मौके का फायदा अभी भी उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये समझना चाहते हैं। बहरहाल म्यूचुअल फंड के रास्ते ये आ रहे हैं। हेमंत जी, क्या लगता है आपको, मिड कैप की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो में? हाँ कविता, ऐसे अगर इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो इनके पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है जो प्राइमरीली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और एक इंडेक्स फंड है जो फिर से लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, और एक स्मॉल कैप फंड है। आई थिंक मिड कैप जो है प्रैक्टिकली इनके पोर्टफोलियो से में नहीं है, तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मिड कैप की जो हम बात करते हैं तो हम क्या, अगर हम टॉप 250 कंपनीज की बात करें तो उसमें 150 कंपनियां जो है वो मिड कैप है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आई थिंक अगर इनको मिड कैप रखना है तो डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक ऐसा फंड है जिसको वो कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग जो फंड है उनका, जैसे मैंने कहा दो फ्लेक्सी कैप फंड है और एक इंडेक्स फंड है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें बदलाव करें। एक फ्लेक्सी कैप फंड रख लीजिए आप, जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है वहां पर उन्होंने 1000 पे इन्वेस्ट किया, उसको बढ़ा के आप 2000 कर सकते हैं, और फिर एक इंडेक्स फंड, और फिर जो बाकी UTI फ्लेक्सी कैप का जो पैसा है 1000, वो फिर मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपोजर है फिर वो प्रोपोर्शनेटली लार्ज कैप के अंदर। तो उन दोनों की जगह पर अगर एक जो 1000 बचता है दोनों में, वो 2000 रुपए एक लार्ज एचडीएफसी लार्ज एंड रखें तो वो बेहतर रहेगा। और स्मॉल कैप में इनके पास टाटा स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है उस सेगमेंट में एलोकेशन सही है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, उससे बेहतर फंड है, तो मैं चाहूंगा कि वो या तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या तो फिर कौन स्मॉल कैप, उनमें से एक फंड को देखें टाटा स्मॉल की जगह। तो कुछ बदलाव, बट डेफिनेटली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सही प्रपोर्शन में मिड कैप फंड होना चाहिए। चलिए मीना का सवाल मैं लूंगी। और अमोल ये कह रहे हैं कि इन्हें निवेश की शुरुआत करनी है म्यूचुअल फंड में, SIP का रास्ता इनको चुनना है, 45 साल की इनकी उम्र है और थोड़ा सा लो रिस्क प्रोफाइल है इनका, और उसी तरह के विकल्प भी ये चाहते हैं अपने लिए। 10 साल का इनका समय है निवेश का और 10 से 12 हजार रुपए ये कह रहे हैं कि निवेश कर सकते हैं। बताइए मीना जी, अगर आप सुन रहे हैं तो, अगर जैसा कि आपने कहा आप लोअर रिस्क प्रेफर करते हैं, तो ज्यादातर लोगों की मन में यह धारणा होती है म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी या स्टॉक्स या शेयर्स में निवेश करने वाला कोई एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप डेट या फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में भी जा सकते हैं जहां पे इक्विटी एक्सपोजर जीरो होता है, और प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, और इन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड या मल्टी एसेट नाम की भी एक कैटेगरी होती है। जैसा कि आपने कहा आप लोअर रिस्क प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड में, ज्यादातर अगर आप आई है तो मेरे ख्याल से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद लेके आप आई है, आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन ध्यान में रखते हुए मैं ये आपसे सलाह दूंगा आपको, आप बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ देख सकते हैं। इसमें इक्विटी प्रोपोर्शन ज्यादातर 30% से लेके 80% तक डायनेमिकली फंड मैनेजर या फंड हाउस जो है वो उनके वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से 30% से लेके 80% तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट को परसेंटेज बढ़ाते या घटाते रहते हैं बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन। अब आपने स्कीम का भी सुझाव पूछा था 10,000 या 12,000 रुपए के SIP के लिए, मैं चाहूंगा आप 8,000 रुपए के SIP ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज में देख सकते हैं, और रिमेनिंग 4,000 आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में देख सकते हैं। अगर आपका 12,000 का SIP 9-10% CAGR अगर आपको इसमें मिलता है अगले 10 साल में, तो आप लगभग इसमें 22-25 लाख रुपए का कॉर्पस आप इसमें से जोड़ सकते हैं।
राइट हेमंत सर, जल्दी से अगला सवाल आपके लिए प्रभात का, और फरवरी 2024 में क्या किसी ब्लू चिप फंड में निवेश करने का सही मौका होगा? इनको लमसम निवेश करना है और कितना प्रॉफिट मिलेगा ये भी ये जानना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी, ब्लू चिप लार्ज कैप में ये अपने निवेश को जो है वो प्लान करना चाहते हैं। जी कविता, आई थिंक अगर हम 2023 को देखें तो हमने देखा कि लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया अपने काउंटर पार्ट से बाकी स्मॉलर मिड कैप में, तो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन डेफिनेटली लार्ज कैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट क्योंकि इक्विटी फंड है ऑब्वियसली टाइम होराइजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज वहां पे वैल्यूएशन थोड़ी बेटर है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम शॉर्ट टाइम होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट करें, तो थोड़ा लंबा समय अपने इन्वेस्टमेंट को दीजिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है लार्ज कैप एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बट मेरा ये मानना है तीनों सेगमेंट का रोल है आपके पोर्टफोलियो में, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कितना समय है। तो यस, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। दो फंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, निपोन इंडिया लार्ज कैप और आईसीआईसीएफ ब्लू चिप फंड, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन फंड है इस कैटेगरी के, इनमें दोनों में या फिर दोनों में से एक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमोल झटपट राम आशीष सिंह का सवाल मैं लूंगी, जिनका लक्ष्य है 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। इन्होंने इन फंड्स में निवेश किया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट का मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इनके पास है, परापारिक का फ्लेक्सी कैप है। 3,000 रुपए की मैं मान रही हूँ की SIP कर रहे हैं इन फंड में, बताइए। पट बता देते हैं राम आशीष सिंह जी, आप लगभग 5 स्कीम्स में 15,000 रुपए का SIP कर रहे हैं। आपने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है कितने साल के लिए कर रहे हैं आपने नहीं बताया, तो आपके लिए मैंने कुछ गणित बिठाए हैं, एक दो गणित। 15,000 रुपए का SIP 12% के CAGR से 25 साल अगर आप चलाते हैं तो 25 साल के बाद आपकी लगभग 2.55 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास आपका फाइनेंशियल गोल या कॉर्पस इसमें से क्रिएट हो सकता है। वही SIP अगर आपकी 30 साल की होती है तब जाके आपका 4 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो है इसमें से हासिल हो सकता है, 4.62 करोड़ रुपीस। तो आपको या तो अपना फाइनेंशियल होराइजन बहुत ही लंबा रखना पड़ेगा, या आपने जो कॉर्पस 4 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं एक बार उसमें से अच्छे से किसी प्रोफेशनल की सलाह लेके फाइनेंशियल गोल के बारे में, कॉर्पस के बारे में और आपका कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एलिजिबिलिटी, इन तीनों के बारे में सोच विचार करके फिर आप अपनी अगली नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। हेमंत जी, काव्या गुप्ता का सवाल लेंगे, और एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, पराकपारिका फ्लेक्सी कैप है इनके पास, SIP के जरिए निवेश कर रही हैं। 70 लाख रुपए इनका गोल है और 13 साल का समय देना चाहती हैं। देखिए पिछली बताता हूँ कविता, जो समय है 13 साल का समय, 12% का रिटर्न मांग के चलेंगे तो करीब करीब 79 लाख का कॉर्पस बनेगा, तो आई थिंक टारगेट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि 21,000 में से 12,000 की जो SIP है वो स्मॉल कैप में है, 3 स्मॉल कैप फंड है, मतलब 57% पैसा जो है स्मॉल कैप में जा रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली वहां पे कम करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा था तीनों सेगमेंट होना जरूरी है लेकिन सही प्रोपोर्शन में, तो एक ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रखें जहाँ पे 5,000 है, एक मिड कैप फंड HDFC मिड कैप फंड जहाँ पे 5,000 है, और एक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है बराबर एक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 4,000, तो ये 14,000 हो गया, और बाकी 7,000 जो है एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में रखिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट दो सेगमेंट है लार्ज एंड मिड वहां पे थोड़ा सा एक्सपोजर सही तरीके से उनको मिले, वहां पे 7,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें जो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को ये कंसिडर कर सकते हैं। राइट, चलिए इसी के साथ मेरे ख्याल से शो को भी समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, अमोल आपका, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बोलो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं बता दूं कि अपने सवाल आप हमें यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ा जो भी कंफ्यूजन है, आपकी हर उलझन को उसका समाधान हमारे एक्सपर्ट के पास होगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, साथ ही यूट्यूब पर हमें जरूर देखें लाइव और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।